मेरी हम नावा। ये लो कॉफी। मैमुना, अगर तुम यूं रात रात भर जागती रहोगी ना तो तुम भी बीमार पड़ जाओगी। जागते तो तुम भी रात रात भर, तुम भी परेशान, तुम भी तो बीमार हो सकते हो। मेरी बात और है, मैं मर्द हूं मैमुना, मेरे आसाब तुमसे ज्यादा मजबूत है। कितने मजबूत है तुम्हारे आसाब मुझसे अच्छी तरह जानती हूँ। तुम छुप छुप के रोते हो और मेरे आंसू बह जाते हैं तुम्हारे सामने। मैं भी शाफी से बहुत मोहब्बत करता हूँ जितनी तुम करती हो। मुझे भी बड़ा दुख है, और मैं तो बेचारी बिया के लिए बहुत तड़पता हूँ। बिया के लिए तो मेरा दिल भी बहुत तड़पता है। तबरेज़, तुम्हें अब भी मेरे जज्बात पे शक है? मुझे सचमुच वो अपनी बेटी की तरह लगने लगी। मैमुना, वो दोनों हमारे बच्चे हैं, उनकी तकलीफ हमें तड़पा रही है। दोनों बच्चे हमारे, शाफे और बिया, दोनों तकलीफ है, लेकिन हम उनके साथ एक तीसरी जान भी वाबस्ता है। कहीं उस मासूम को भी शाफे और बिया की तरह खुदा ना खास्ता कुछ। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे मैमुना, अल्लाह ना करे। नहीं, इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। तबरेज, शाफे की सेहत तेजी से गिर रही है। हाँ मैं देख रहा हूँ, लेकिन मैं बेबस, मैं क्या करूँ? देख रहे हो तो कुछ करते क्यों? बात करो ना किसी डॉक्टर से। पहले तो वॉमिटिंग में ब्लड आ रहा था, और ब्लड से भी खून आ रहा था। ये क्या है तबरेज? ठीक है, मैं कल सुबह ही डॉक्टर साहब से बात करूँगा। हाँ, किसी डॉक्टर से भी बात करो, उनसे कहो कि कुछ भी करे, मेरा सब कुछ ले ले, मेरी जान भी ले ले, मगर मेरे शाफे को बचा किसी को भी। हाँ ठीक है, मैं सुबह ही डॉक्टर साहब से बात करूंगा, लेकिन तुम हौसला करो। हौसला कैसे करो, कहाँ से लाऊं हौसला? मेरे इकलौते बेटे की तरफ मौत चुपचाप आ रही और मैं बेबसी से देख रही हूँ। मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही। मेरा इकलौता बेटा मेरे सामने जा रहा है, मैं क्या करूं? क्या बात है नासिर, बड़े उदास और परेशान लग रहे हैं। बस आज बिया बहुत याद आ रही है। लो, बिया याद आ रही है तो चल के उसे मिल आते हैं। वो कौन सा कोई अमेरिका में रहती है? हाँ, मैं भी यही सोच रहा था कि आज मैं बिया से जाके मिला। बड़े अफसोस की बात है नासिर, आप उसे अकेले मिलने जाएंगे? मैं भी आपके साथ जाऊंगी, आखिर मैं उसकी भाभी हूँ। ऐसे कैसे हो सकता है, वो किचन में थोड़ी ना आई थी। ले बस अबा जी, आप कितना ऊंचा ऊंचा बोल दी पता है आपको? और वो जो बर्तन बदल दिए थे कल, याद नहीं? तो क्या हो गया जो मैंने ऐसा कर दिया? भाई मैं नहीं खा सकती ना किसी के झूठे बर्तनों में, मुझे तो खराब आती शाफे और बिया से। तोबा तोबा, खुदा ना खास्ता वो गंदी बीमारी हमें लग जाए, फिर मैंने मरना थोड़ी ना है। अच्छा ठीक है, अगर आप उसे अकेले मिलना चाहते हैं तो अकेले जाके मिलाएं,
मेरा तो दिल कर रहा था उसे मिलने को, इसलिए कह दिया। ताबिंदा तुम अपने दिल को चटोल के देखो, अगर तुम्हारे दिल में उसके लिए जरा सी भी मोहब्बत है तो चलो मेरे साथ, लेकिन वहां जाके कोई उल्टी सीधी बात मत करना। हाँ है, मैं भला क्यों कोई गलत बात करूंगी? आप कहेंगे तो मैं कुछ भी नहीं कहूंगी, बस आप मुझे साथ ले चले। दो मिनट में तैयार होके आती हूँ, अभी आई। कुछ दिनों से बहुत परेशान था, लेकिन अब तुम्हारा मुस्कुराता चेहरा देखकर बहुत खुश हो गया हूं मैं। भैया, मैं भी आपके बगैर बहुत उदास थी। लो तो भैया, आ जाना था, चक्कर लगा लेती। कहती शाफे को लेकर आता, वैसे भी इतने दिन हो गए तुम लोग आए नहीं हो। भाभी हम सोच तो रहे थे, लेकिन वो मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी। मेरी तबीयत कुछ खराब? तुम्हारी तबीयत तो बहुत खराब लग रही है। सूख के ढांचा हो गए हो, हल्के तो देखे जरा, डॉक्टर को चेक नहीं कराया? हाय क्या हो गया है तुम्हें? खुदा ना खास्ता तुम्हारी बीमारी बढ़ तो नहीं गई? नहीं भाभी, मैं ठीक हूँ। शाफे मेरी यार, अरे संभल के बेटा। हाय भैया, ये क्या कर रही हो? ऐसे अब एकदम से ना उठा करो, तुम्हारी हालत अब वैसी नहीं है। छठा महीना चल रहा है तुम्हें, इस तरह उठोगी ऐसा ना कहीं जाके गिर जाओ, खुदा ना खास्ता बच्चे को कुछ हो जाए। ताबिंदा, नासिर मेरे मुंह में खाक, मैं तो एहतियात बता रही हूँ, समझा रही हूँ भैया को। आप लोग चल के लाउंज में बैठे, मैं खान चाचा से कह के आपके लिए चाय बनवाती हूँ। कमरे नहीं चले हैं? बहुत अच्छा किया नासिर, तुम आ गए। तुमसे एक नए प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करना, आओ करते हैं। जी भाभी की बातों का बुरा मनाया? हाँ, मुझे किसी की बात का बुरा नहीं लगता। अच्छी बात है, लगना भी नहीं चाहिए। शाफे लोगों का काम है बातें बनाना। ठीक कह रही हो, लोगों का काम सिर्फ बातें बनाना ही तो है। तो और क्या शाफे, अब हमें लोगों को छोड़ के दूसरे का ख्याल रखना है बस। तो भैया ये साथ भी कितनी दूर का है, हम दोनों आगे पीछे अपनी मंजिल को पहुंचने ही वाले। जिस मंजिल पे पहुंचने की आप बात कर रहे हैं ना शाफे, उस पर किसी ना किसी दिन सभी को पहुंचना है। और छोड़े ना ये सब बातें,
क्यों उदास हो रहे हो? मुझे भी कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि आपको पता ही नहीं है कि इस कंडीशन में आपको मुझे खुश रखना चाहिए, मेरा ख्याल रखना चाहिए, मुझसे अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए। भैया मैं सोच रहा हूँ हमारा बच्चा जब इस दुनिया में आएगा तो उसको क्या बीतेगी। दुनिया वाले तो उसे बात बात पर ताने और तकलीफ देंगे, वो क्या करेगा? अरे भाई मेरे बच्चों ने तो ढंग से खाना भी नहीं खाया, ये लो। और सुनो शाफी, तुम ये ठंडा दूध पियो बेटे, तुम्हारे मुंह के छालों को सूद करेगा। वहाँ मेरा अंदर ना जख्मों से भर गया है, मुझसे अब कुछ भी नहीं चाहिएगा। मुंह का इन्फेक्शन ज्यादा पड़ गया क्या? डॉक्टर के पास चले। हे भैया इसे क्या हुआ है? ज्यादा हो गया इन्फेक्शन? चलो ना चलते हैं डॉक्टर को दिखाते हैं। क्या डॉक्टर, 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 अब किसी डॉक्टर के पास मेरे जख्मों का इलाज नहीं। क्या बात है शफे बेटा, चलो अस्पताल चलते हैं। क्या चाहते हैं हम कि मौत भी मुझे अपने घर पे ना आए, यूं अस्पताल में एड़ियां रगड़ रगड़ के मर जाऊं मैं? नहीं बेटा अल्लाह ना करे, ऐसी बातें मत करो प्लीज। क्या हो गया बेटा, तुम क्यों इतनी मायूसी वाली बातें कर रहे हो? बिया क्या बात है, क्यों इतना डिप्रेस है ये? मामू शाफे कह रहे थे कि जब हमारी औलाद इस दुनिया में आएगी तो लोग उसे इज्जत से एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नफरत करेंगे उससे, बुरी बुरी बातें करेंगे और बुरे नामों से पुकारेंगे। नहीं नहीं ऐसा नहीं होने दूंगी मैं, मुंह नोच लूंगी उन लोगों का जो मेरे बच्चों पर मेरे खून पर उंगली उठाए। आप क्या मुंह नोचेंगी, खून होना मैं आपका। आपको याद है जब आपको मेरी बीमारी के बारे में पता चला था तो आपने किन नजरों से देखा था मुझे? किस शर्मनाक बात है, तसव्वुर कर सकते हो? काश मेरा बेटा, काश मैं उसकी माँ ना होती, काश मैं उसके बाप के साथ ही मर गई होती। आप भी मेरे बारे में वही सोच रही थी ना जो बाकी सारा जमाना मेरे बारे में सोच रहा था। मैं क्या करती बेटा, एड्स का नाम सुनकर मैं अपनी सुध-बुध गवाह बैठी थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। यही तो अलमिया है हम लोगों का बेटा, कि हम पढ़ लिख के भी जाहिल के जाहिल हैं, यानी इतना शऊर ही नहीं है हमें। यहां तक के डॉक्टर भी एचआईवी पॉजिटिव मरीज को पहली बार ऐसी शक की नजर से देखता है और उसके किरदार को मशकूक कर देता है। अफसोस ये हम लोगों को शायद कभी भी अवेयरनेस नहीं आएगी। इसलिए तो मैं कह रहा हूं काश अल्लाह ताला हम दोनों को माँ बाप बनने की खुशखबरी ना सुनाता, काश हमारा कोई बच्चा इस दुनिया में ना आता। मामू मामू नन्ही सी जान इस दुनिया में आके क्या करे, वही दुख वही तकलीफ और वही गम जो मैं और बिया भुगत रहे हैं वही भुगतेगा।
खुदा न करे बेटा, ऐसा ऐसा नहीं सोचते, ऐसा नहीं होगा। क्या करेंगी अम्मा, आप किस किस की सोच बदलेंगी, जमाना जमाना बदलेंगी आप? हाँ, मैं ऐसा करने की कोशिश करूंगी, मैं लोगों की सोच बदलने की कोशिश को अपनी जिंदगी का मकसद बना लूंगी, तुम फिक्र मत करो। दाबिंदा, तुम कोई ऐसा मौका अपने हाथ से जाने नहीं देती जिससे मेरे दिल को तकलीफ, मेरे दिल को चोट पहुंचे। ना सिर्फ मैंने जानबूझ के कुछ नहीं कहा, मुंह से निकल गई थी बात। मुंह से नहीं निकली, बिच्छू की फितरत है डसना, और डसना तुम्हारी फितरत है। लेकिन बस हर बात कोई ना कोई हद होती है। अब तुम्हारा और मेरा एक साथ रहना मुमकिन नहीं है। हाय रब्बा, ना करें ऐसा, क्या कर दिया मैंने, क्या कह रहे हो आप? मैं तुम्हें सिर्फ कह नहीं रहा, आज मैं तुम्हें ऐसा करके दिखाऊंगा। सलमान, अपनी बहन का हाथ पकड़ और निकल मेरे घर से। भाई जी, मैं कहां लेके जाऊंगा भाई जी? ये सोचना मेरा नहीं, तुम्हारा काम। तुम भी जिंदगी भर अपनी बहन के साथ मिलकर बहुत कुछ सोचते रहे, इसका साजिश जेन बनाने में तुम्हारा सबसे बड़ा हाथ। भाई जी क्या बात कर रहे हैं, मैंने तो हमेशा बाजी को अच्छी बात ही बताई है। हट! अच्छी तरह जानता हूं कि तूने कौन सी अच्छी बातें समझाई हैं अपनी बाजी को। अच्छी बात सुनना चाहती है बाजी? तो सुनते हैं, और जितनी जल्दी हो सकता है ना, ये गाड़ी के कागज अपने नाम करा ले। तो चीज वही होती है जो अपने नाम हो। खैर, मेरे नाम तो वो कभी नहीं करेंगी, और वैसे भी नासिर को बुरा लगेगा अगर गाड़ी मेरे नाम पर हुई तो। इसमें मसला क्या है, मेरे नाम करा दे ना। तो तू किस खाते में अपने नाम कराना चाहता है गाड़ी? मैं दस ना बाजी, अब बिया के नाम पे तुमने कितनी चीजें ली हैं? तेरा भाई हूं मैं, तेरे मंसूबों का साझेदार हूं, मुझे भी तो कुछ फायदा होना चाहिए ना। सारे ऐश तो कर रहे तू हमारे साथ, और वैसे भी गाड़ी बिया के नाम हुई ना, तो मुझसे भी कोई नहीं बर्दाश्त होना। आखिरी बार माफ कर दे, आखिरी बार माफ कर दे। सलमान, तूने सुना नहीं, सुबह होने तक अपना और अपनी बहन का सामान बांध और निकल मेरे घर से। भाईजी, मेरे जुड़े हाथों की तरफ देख ले भाईजी, इस बेचारी का क्या कसूर है? मैंने किया सारा कुछ, मैं ही कसूरवार हूं जी। इस पे ऐसा जुल्म ना कर, ये बर्बाद हो जाएगी। मैं हाथ जोड़ रहा हूं आपके, ऐसा जुल्म ना करें बच्ची। सारा कसूरवार मैं ही हूं, मैंने ही सारा कसूर किया, सारी पट्टियां मैंने ही पढ़ाई।
अपनी जिंदगी के बारे में सोच, अपना कार ना खराब कर। मेरा क्या, कहीं भी चला जाऊंगा तो ठिकाना मिल ही जाएगा। तू अपना कार ना खराब कर बाजी। लें जी, हमारी एड्स अवेयरनेस फाउंडेशन के पब्लिक मैसेजेस क्या क्या होंगे उनकी एक रफ सी डिटेल मैंने तैयार कर दी। हमारी ये फाउंडेशन कैसे कैसे और किन किन जगहों पर जाकर लोगों को एड्स के हवाले से आगाही देने की वर्कशॉप और लेक्चर्स देगी, उसका एक छोटा सा स्केड्यूल मैंने तैयार किया। हाँ अच्छा है डॉक्टर साहब, हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया से इस मैसेज को लोगों तक पहुंचाएंगे। हाँ, लेकिन जिन लोगों की पहुंच प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक नहीं है, उन तक ये मैसेज कैसे पहुंचेगा? जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, उन लोगों को समझाना और उसके बारे में आगे ही देना बहुत जरूरी है, क्योंकि HIV पॉजिटिव पाकिस्तान के देहाती इलाकों और नॉर्दर्न एरियाज में सबसे ज्यादा फैल रहा है। अफसोस के उन इलाकों में गवर्नमेंट स्कूल तक नहीं है। स्कूल तो स्कूल, वहाँ के दीनी मदारिस भी लोगों को ये तालीम देने से महरूम है कि हमारा दीन इस्लाम हमें जिंदगी गुजारने के कितने पाकीजा असूल बताता है। और मैं समझती हूँ कि वहाँ पर अगर लोगों को सही मायनों में कुरान का तर्जुमा और तफसीर समझाई जाए तो वो लोग भी बेहाई के कामों से बचे रहेंगे। इंशाल्लाह हम सब लोग मिलकर अवेयरनेस प्रोग्राम को चलाएंगे। चलाएंगे ना? इंशाल्लाह जरूर। अरे भाई मेमुना, हम अपनी इस फाउंडेशन का नाम क्या रखेंगे? मेरा ख्याल है इसका नाम तो शाफी और बिया सोचकर बताएंगे। लेकिन इस फाउंडेशन को चलाना खासा मुश्किल काम होगा। इसके लिए हमें एक ऐसा बंदा चाहिए होगा जो बिल्कुल डिवोटेड हो, जो इसको अपने पूरे दिल से मैनेज करे। ऐसा बंदा खुशकिस्मती से हमारे पास पहले ही मौजूद है। कौन? नासिर। नासिर से अच्छा इस मकसद के लिए और कोई इंसान नहीं। बिल्कुल ठीक कहा मेमुना तुमने, ही इज द राइट पर्सन फॉर दिस, और नासिर जैसा मैनेजमेंट तो कोई कर ही नहीं सकता। तो ले जी, ये तो फिर तय हो गया कि इस फाउंडेशन को मिस्टर नासिर ही मैनेज करेंगे। यस ठीक है, चीजें तय तो हो गई, बस अल्लाह करे अब इन पर अमल भी हो सके। हाँ क्यों नहीं होगा भाई, हमारी बहुत अच्छी टीम है, हम सब मिलकर इस पर अमल करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। शाफे, सोच भी नहीं सकती थी कि माँ इतना बड़ा फैसला करेंगे। मुझे लगता है कि जो उनसे जुल्म तुम पर हुआ है, नफरत हो रही है मुझे आपसे। नफरत? नफरत तो मुझे तुमसे होनी चाहिए, और ये जो चीख चीख कर तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो, ये सारे इल्जाम तो मुझे तुम पर लगाने चाहिए। क्यों? मुझे आप और आपका बेटा है, मैं नहीं। मुजरिम तुम हो, क्योंकि जब डॉक्टर ताहिरा तुम्हारा HIV का टेस्ट कर रही थी तो उसी रोज शाफे का भी उन्होंने टेस्ट किया था, और उनका ख्याल है कि शाफे को एड्स तुम्हारी वजह से भी हो सकती है।
मुझे तुमसे सब कोई फालतू बहस नहीं करनी। तुम अपनी जुबान बंद रखो और खामोशी से जाकर ऊपर सोचो, इससे पहले कि शाफी परेशान होकर तुम्हें ढूंढता हुआ यहाँ आ जाए। उसकी तबीयत पहले ही बहुत खराब है। मेरी नस नस में जहर उतार कर आप कह रही हैं कि बिया जाकर सुकून से सोच। कभी सूली पर किसी को नींद आई? शाफी ने तबरेज को भेजा था, उसी का गुजारा नहीं तुम्हारे बगैर। तुम्हारे नाम की तस्वीर उसकी हर सांस के साथ चलती है, वरना मेरे बस में होता तो मैं तुम जैसी लोअर मिडिल क्लास लड़की से उसकी शादी कभी ना होने देती। तुम तो इस लायक ही नहीं। उसकी वजह से बहुत शर्मिंदा है, बस ये सब उसी गिल्ट में कर रही है। आप उनके इस नेक और अजीम काम को उनका गिल्ट कह रहे हैं? बताए शाफे, मुझे खुशी इस बात की है कि उनके इस नेक और हसीन मकसद की वजह मैं हूं। देखे ना शाफे, दुख और तकलीफ इंसान को उसके नसीब से मिलती है ना, मगर इंसान के नेक मकासद कोशिशों के बाद ही तकनीक तक पहुंचते। मुझे इस बात का गम नहीं है कि मैं और आप बहुत जल्दी इस दुनिया से चले जाएंगे। लेकिन शाफे, मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि हमारे जाने के बाद कितनी जाने बच जाएंगी, कितने लोग मौत के मुंह में जाने से बच जाएंगे। क्या आपको इस बात की खुशी नहीं? होगी, बहुत खुश हूँ, बहुत। बस काश मैं इस मकसद को अपनी आंखों के सामने पूरा होता देख सकता। काश। प्लीज शाफे, ऐसी बातें मत करें। ये एक ख्वाहिश है मेरी, पूरी करूंगी। भैया, मेरी ख्वाहिश है कि हमारा बच्चा जब इस दुनिया में आए, इंशाल्लाह, और भैया अगर मैं जिंदा हुआ, मैं चाहता हूं उसके चेहरे को पहली बार मैं देखूं। भैया मैं उसकी पहचानी पहली दफा मैं चूम।
क्योंकि भैया हमारा बच्चा हमारे ये नई जिंदगी को उठा, नई जिंदगी, और बहुत से लोग जो हमारी तरह इस बीमारी का शिकार होकर इस दुनिया से चले जाएंगे, उनकी उनके लिए एक उम्मीद होगा ना भैया, एक उम्मीद होगा उनके लिए। हमारा बच्चा दिखाओगी ना उसे पहली दफा मुझे, है ना? और भैया एक वादा, एक वादा करो मेरे साथ, तुम ना तुम हमारे बच्चे को बताना कि उसका बाप गलत आदमी नहीं थी। भैया उससे कोई गलती नहीं हुई थी, वो बस अपने नसीब के सामने हार गया था। हमारे बच्चे को ये बता दो, I want my kid to feel proud of me, dear. Proud of me. You will do that, right? Hey, zindagi, tu hi bata, tujhe kya kahun, meri hamnawa. जो मिला मुझे कोई दर्द था, वही अजनबी वही आशना। जरा सी जिंदगी है, जिंदगी तू ही बता, तुझे